पिछले 5 सालों में आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव तो बहुत ज़्यादा पड़ा है जब से ये तुम्हारे पीएम बने हैं मोदी, जब से प्रभाव है, नोटबंदी है और यानी कि हम जो गरीब लोगों को सताया ही है इसने। पिछले 5 साल में क्या हुआ, देखिए क्या नहीं हुआ आप ही बताइए। हिंदू मुस्लिम हुआ, जीएसटी हुआ, नोटबंदी हो गया, कश्मीर हो गया, पुलवामा। जब भी देखेंगे बीजेपी आती है, चुनाव का टाइम आता है और ये दंगे फसाद, आतंकी हमले, क्या नहीं हो रहा है इस देश में, मीडिया नहीं दिखाएगा आपको। कहाँ विकास है, कितने बेरोजगार फिर रहे लड़के? 2 करोड़ लोगों को कह रहे थे कि हम रोजगार देंगे हर साल, 5 साल में 10 करोड़ को मिलना चाहिए था और बेरोजगार कर दिए सारे, जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब निजीकरण कर दिया। इस देश के 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2600 प्रोफेसर हैं, जिसमें से मात्र 161 ही SC ST हैं। 4 लाख से ज़्यादा पद अध्यापकों के खाली हैं इस देश में। एम्प्लॉयमेंट, रेलवे की भर्ती निकाल दी तो एम्प्लॉयमेंट दे दिया, अरे 2 करोड़ रोजगार मांगता है ये बार साल, कहाँ से लेकर आएंगे आप बताइए? दिया नहीं दिया, केवल जुमले दिए जुमले। मोदी है तो मुमकिन नहीं है, शिक्षा है तो मुमकिन है, शिक्षा है तो सम्मान है। अब जो महंगाई है, हर चीज़ ही महंगाई चल रही है, तुम्हारा पेट्रोल कहाँ था, पेट्रोल पे, डीजल पे, यानी कि A to Z सभी वो हो रही है महंगाई, बताओ कहाँ नहीं हो रही महंगाई? ज़्यादा सारी महंगाई बढ़ रही है, होता भी नहीं 500 का नोट 10 के बराबर खुलता ही हो जा, आता भी नहीं 500 रुपये में सामान कुछ। ये गरीब लोगों को जो उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर दिए गए, उनके घर पर सिलेंडर खाली रखे, भरवाने के लिए पैसे नहीं है, गैस का रेट जो है हाई हो गया। पहले 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था, अब 1000 रुपये, 800 हो गया, 1000 मतलब 800 हो गया। हज़ार के सिलेंडर दे दे तो क्या दे दिया गरीबों को बताओ? 1600 रुपये लिए तो बताओ क्या दे दिया? और जो गैस भरवाती हैं उसमें कितना पैसा लगता है? वो 800 की कुछ आ रही गैस, 800 रुपये की, 800 की आ रही है। जनधन योजना में आपका अकाउंट खुला है बैंक में? हाँ, 0 बैलेंस वाला। हाँ हाँ है। उस खुलवाने से क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं, जो हमने 500 रुपए डाल दिए ना, वे ये हमारे 1/54 नहीं गई। तो मोदी जी बोल रहे थे उसी में 15 लाख रुपए आएंगे, आए 15 रुपए भी नहीं आए भैया, 15 रुपए भी नहीं, 15 लाख तक अलग 15 रुपए भी नहीं। हाँ, अफवाह कर रखा है ना मोदी ने तो। जब इस देश का एक RBI गवर्नर समय से पूर्व इस्तीफा दे दे अपने पद से, तो इस देश की जनता को सोचने का जरूरत है। रघुराम राजन जी का ये स्टेटमेंट है कि इस देश जनता को सोचने का जरूरत है। सोचिए, मुद्दे हैं, मुद्दे तो दबा दिए ना। नोटबंदी में एक इतिहास के छात्र को RBI का गवर्नर बना दिया तो मुद्दे दब गए हैं। अब ना RBI का गवर्नर न सरकार। ये बात हर जगह सुनने को मिलती है, ये बात कहा जाता है कि मोदी जी ने बहुत काम किया, पिछले 70 सालों में कोई काम नहीं किया गया, कैसे क्या कहना चाहेंगे आप? सही बात है ये, बिल्कुल ये बात है। एक बात सुनो, अगर एक बाप अपने बच्चा पैदा करके और वो चूसे छोड़ दे और उसमें बाद में वो मान लिया वो विकास करे तो अपने बाप की वजह से करेगा? अगर कांग्रेस सरकार ना होती तो क्या मोदी कर देता आज? वो जो कर रहा वो कि अभी वो किया ना उसने, क्या अरे एक वो क्या छोड़ी वो अभी, अच्छा एंटी मिसाइल। हाँ एंटी मिसाइल, तो क्या वो मोदी जी ने 5 साल में तैयार कर दी? क्या देश में कितनी बिल्डिंग बनी? ये कह रहे थे कि 6 एम्स बनवाएंगे, कितने बने? कहीं एक है? ये कह रहे थे 35 एयरपोर्ट बनवा दिए हमने, कहीं बना कोई? तो कहाँ विकास हुआ? ये मोदी जी हर तीसरे दिन तो विदेश में रहता है। और आप देखेंगे धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म हो रहा है इस देश में। कोई अभी मैं भगवान को कुछ कह दूँ तो सब कुछ हो जाएगा और संविधान जला दिया जाता है, दिल्ली की सड़कों पर उनके खिलाफ FIR नहीं होता है, JNU के अध्यक्ष पर आरोप लगा दिया, तुमने नारे नहीं लगाए, तुमने नारे लगाने वालों को नहीं रोका। समझिए आप 5 साल में क्या हुआ है, आवाज़ को दबाने की कोशिश हुई है, 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है।